हेलो भाई, मैं पवार। एज अ डीजल लवर पर्सनली मेरे को बहुत दुख होता है ये देख के कि यार डीजल लुप्त होता जा रहा है। डर लगता है भाई 2024 में न्यू ईयर मनाने से ज्यादा कि यार डीजल बंद हो जाएंगे। यार नितिन गडकरी जी कभी भी आके कह देते 10% एडिशनल टैक्स बढ़ा देंगे हम डीजल गाड़ियों पे, क्या होगा यार डीजल लवर्स का। कंपनियों ने तो चलो उनको तो क्या ही फर्क पड़ता है, उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है अभी अपने हाइब्रिड के साथ। जैसे टोयोटा कंपनी है, इनका क्या बिकता था सबसे ज्यादा, डीजल इंजन इनोवा क्रिस्टा में या फिर अपना फॉर्च्यूनर में। पर अब डीजल को हटा के पेट्रोल के अंदर हाइब्रिड ले आए हैं क्योंकि भाई माइलेज तो वही वाली चाहिए डीजल वाली, चलाने में थोड़ा सा फील तो वही वाला चाहिए डीजल वाला, तो प्रॉपर ईवी की तरफ भी शिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि अभी उसमें भी टाइम है, तो करें क्या। तो ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इन्होंने लॉन्च करी है, टोयोटा हाईराइड रही है इसका टॉप वेरिएंट जिसको बोलते हैं वी। इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता है, पूरी ऑटोमेटिक है ये, इसके बारे में बताऊंगा। 20 लाख रुपए इसका शोरूम प्राइस है, ऑन रोड आते आते इंश्योरेंस आरटीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाओगे 23 लाख रुपए आपको हरियाणा में पड़ जाएगी गाड़ी। एक्सेसरी वगैरह इन्होंने चेप दी तो 23.5 मान लो, और कुछ भी आपने एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह ले तो 24 लाख तक भी जा सकती है। अब इसी की कंपैरिजन में भाई जापानीज गाड़ी के बगल में अगर मैं किया सेल्टोस का एक्सलाइन खड़ा कर दूं वो भी 20 लाख रुपए का एक्सलाइन आता है, लेकिन फायदा यह है उसमें आपको डीजल मिल जाएगा, समझ रहे हो, माइलेज बढ़िया, चलाने में वो बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक बढ़िया, फीचर्स इससे ज्यादा। तो क्या है ऐसा, क्या ये टोयोटा वाले ऐसा इसमें प्राइस लेके चल रहे हैं जो 20 लाख रुपए में प्राइस रख रखा है इसका कि हम एक्सलाइन जैसी किया जैसी कंपनी को हरा देंगे। उस पर बात कर लेते हैं। चाबी ऐसी नॉर्मल सी मिलेगी, कवर आपको खुद खरीदना पड़ेगा, लोक अनलॉक का 2 बटन मिलेगा। है ये मारुति भाई, ग्रैंड विटारा आपने देखी होगी ना मारुति, सेम वही गाड़ी है, बस टोयोटा का लोगो लगाने से वो नहीं बन जाती। इसके अंदर मिक्सचर क्या है, अब जैसे हाइब्रिड होता क्या है भाई, ईवी थोड़ा सा ईवी वाला मैटर आ गया, मतलब बैटरीज भी इसके अंदर लगी हुई है और पेट्रोल इंजन भी है। तो क्या है जो इसका पीछे ऐसे समझते हैं, आधी गाड़ी जो जिसके अंदर इसका बैटरी और मोटर वाली चीज़ रखी हुई है वो टोयोटा ने बनाई है, सामने जो वो सब चीज़ें हैं पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का वो मारुति का ही है जो ब्रेजा सियाज फियाज सब में चलता है, समझ गए आप। तो इस तरीके से इन्होंने थोड़े से ये अपने पार्टनरशिप वगैरह करके बनाई है गाड़ी। मिक्सचर आप ग्रैंड विटारा ले लो या फिर हाई राइडर ले लो, बात एक ही है, बस थोड़ा बहुत ही ग्रिल व्रिल का थोड़ा सा लुक का फर्क है ओनली। और कोई आपसे कहता हो कि भाई नहीं गाड़ी टोयोटा ने बनाई है ये या फिर ये अलग है, तो उससे कह देना इससे अच्छा मेरी आंखों में मिर्च डाल दे भाई लाल। तो भाई ये देखो इस तरीके की डी आर आई मिलती है इसमें, यहाँ पे नीचे आप बात करोगे तो सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है, इसी में अपना हाई लो मिलता है, इसमें फोग लाइट वगैरह नहीं मिलते हैं, इनके थ्रो वगैरह पता नहीं भाई एक सिंगल लाइट से कैसा मिल पाता होगा, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ठीक ठाक मिलता है, हमको बड़ी सी ग्रिल मिल रही है, टोयोटा का लोगो है। सामने से गाड़ी थोड़ी सी गोल मटोल लगती है, यहाँ पे मारुति ग्रैंड विटारा का थोड़ा सा अलग वाला फेस आता है, फ्रंट में पार्किंग कैमरा वगैरह भी आता है, एडास वगैरह इसमें नहीं आता लेकिन वो किया सेल्टोस वगैरह में आ जाता है। साइड से आप बात करोगे तो गाड़ी आप देखो 23 लाख रुपए की सी गाड़ी है ये, इसमें 17 इंच के व्हील आ रहे हैं भाई आपके, इस तरीके का लोहे का डिजाइन आता है, 215/8/17 की पूरी प्रोफाइल है, हाइब्रिड लेकर रखा है लोगों ने। हाइब्रिड में भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, 1.5 लीटर का जो होता है ना इनका जो नॉर्मल वाला पेट्रोल इंजन है उसके अंदर भी हाइब्रिड है पर वो नॉर्मल नकली हाइब्रिड रहता है। शीशे के नीचे भी भाई यहाँ पे कैमरा आ रहा है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार 23 लाख रुपए में फीचर तो देंगे, 360 डिग्री कैमरा आता है, इक्वा सेंसर एक यहाँ भी मिलता है, ग्रीन टिंटेड यूवी कट ग्लासेस मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिलता है शार्क फिन एंटीना। पीछे एक साइड लुक की बात करोगे ऐसी दिखती है अर्बन क्रूजर हाईराइडर। यार एक बात कहूँ, पीछे से इसकी जो लाइट्स है ना ये बहुत अच्छी हैं टेल लाइट्स, पर बहुत छोटी सी हैं, आजकल तो कनेक्टेड वगैरह का जमाना आ गया है, वाइपर डिफोगर इतने कंजूस हैं ये, यहाँ पे भी इन्होंने लट्टू लगा रखा है आज भी, कौन सी सदी में जी रहे हो यार, यहाँ LED लगा दो, इसमें भी लट्टू है और कमाल कर दिए, ये रिफ्लेक्टर हो गया अपना। और साइड से गाड़ी ठीक लगती है, यहाँ से पेट्रोल डलवाओ, आगे एक साइड भी डिस्क ब्रेक मिल रही है, पीछे एक साइड भी यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलेंगी। ओ यार 23 लाख रुपये अगेन कोई सस्ती बात है, आपका स्कॉर्पियन का 36 आ जाएगा इतने रुपये में तो ऑटोमेटिक में। ये हो गया भाई इसका मेन, मैं आपको समझाता हूँ इसका बैटरी वगैरह का सिस्टम कैसा है कैसा नहीं है। ये 373 लीटर का बूट स्पेस है, इसमें थोड़ा सा कम बैठता है क्योंकि भाई अब इन्होंने बैटरी भी लगा दी ना तो उसकी वजह से थोड़ा सा उठ गया ये। यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो वो वाला पोर्शन आपको आगे की तरफ नहीं दिखता क्योंकि वहाँ पे बैटरीज लगी हुई हैं। इसकी बैटरी के बलबूते पे ये मत समझना कि बलबूते पे आप 100 किलोमीटर स्पीड से चला लोगे इसको या फिर घनी चलती होगी, सर सिस्टम समझाऊंगा अभी आगे, जैक वैक पूरा सिस्टम है और पूरी यहाँ पे आपको वो मिल जाते हैं टूल जो भी होते हैं अपने, पिंचर विंचर हो जाए तो लगा लोगे आप। तो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड रहेगी ना उसमें आपको थोड़ी सी डिग्गी उठी हुई मिलेगी, आप समझ जाना कि ये 6 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, इसमें रियल में कोई बैटरी वैटरी सिस्टम है। स्पेयर टायर की बात करोगे तो वो नीचे साइड लटका हुआ मिलता है इसमें, यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे अपना लाइट वाइट मिल जाती है, अंदर है गाड़ी में मजा तो पार्सल ट्री मिल जाता है, ये पूरी क्वालिटी मारुति वाली है, कोई आके तो मेरे से लड़ ले इस बात पे, मारुति है यहाँ पे मैं प्रूव कर सकता हूँ कई जगहों से, यहाँ पे येलो लाइट लगा रखी है। टोयोटा तो लोगों का फायदा उठा रहा है बस इंडिया में, और कुछ नहीं कर रहा, कोई नई गाड़ी लिया अपनी दम पे बना के। तो चलो अंदर चलते हैं भाई, इसमें ना अच्छी फायदा ये है क्योंकि मारुति में आपने देखा होगा यहाँ पे अपोजिट साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो यहाँ पे भी इन्होंने रिक्वेस्ट सेंसर दे रखा है और डिग्गी वे मिल जाता है, तो 3 जगह हमको रिक्वेस्ट सेंसर इस गाड़ी में देखने के लिए मिलते हैं।
चलो भाई भीतर चलता हूँ, मेन भीतर है थोड़ा सा इसमें मजा ना। सबसे पहले हाइट एडजस्टेबल सीट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं है यार ये एडजस्ट करने का, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ब्राउन कलर का आपको ये पूरा इंटीरियर मिलेगा, सॉफ्ट टच मिल रहा है, बहुत प्रीमियम लगता है। टानो ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे ऑटो वन टच आपकी बस केवल ड्राइवर साइड मिलती है, बोटर होल्डर वगैरह मिल रहा है। ये क्वालिटी प्योर आपको वही मारुति वाली ही फील होगी भाई गाड़ी में, यहाँ पे टोयोटा जैसा एक्सपेक्ट ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। गाड़ी में बैठ गया हूँ, ये देखो आप इंटीरियर, जो टोयोटा का लोगो जहाँ पे लग जाता है ना वही चार चांस पता नहीं ऑटोमेटिकली लगी जाते हैं, जैसे एप्पल का लोगो फोन में लगती भाई कई लोग तो स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं ना, ऐसे टोयोटा का लोगो जहाँ पे लग गया वहीं पे थोड़ी सी अपने आप फील आने लग जाती है। अब एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ईवी हाइब्रिड हाइब्रिड जो कर रहा हूँ एक घंटे से वो होता क्या है। मैं जैसे इस पावर वाले बटन को, पावर बटन है यहाँ पे देखना पावर, अब मैंने जैसे गाड़ी स्टार्ट करी ना तो ये ईवी पे चार्ज मतलब स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रिक पे जो इसमें बैटरी में थोड़ी बहुत चार्जिंग बच रही होगी ना वो यहाँ पे स्टार्ट हुई। देखो हेलो वेलो लिख के आता है पूरा यहाँ पे, इसमें ये भी आता है ये अपना हेडसेट डिस्प्ले जो किया ही लेके आई थी पहली बार इंडिया में, हमने देखा ही तब था भाई यार मंदे टाइम्स पे दो बैटरी दिखा रही कितनी चार्ज है। टायर साज ये जब इसमें एरो वेरो बन के आते जब गाड़ी चलती है दिखाऊंगा पूरा, टाइम वाइम दिखा रहा, पार्किंग वार्किंग दिखा रहा है। ये देखो वॉल्यूम का कंट्रोल हो गए, ये अपना क्रूज कंट्रोल हो गए, बिल्कुल ऐसा डिजायर जैसा स्टेयरिंग है पूरा का पूरा, जो भाई कहते हैं कि मारुति नहीं है वो आप एक बार स्टेयरिंग से ही पता लगा सकते हो, बिल्कुल जैसा डिजायर में स्टेयरिंग भी लाता है पूरा ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पे हमको कंट्रोल मिलते हैं भाई, 360 डिग्री व्यू है इसके अंदर, ये जैसे ही मैंने गाड़ी यहाँ पे 360 डिग्री घुमाया तो ये पूरा बराबर में क्या आ रहा है ये सब कुछ बन गया था। इसकी ब्राइटनेस वगैरह भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एचयूडी को अगर आपको बंद करना है तो आप इसको नीचे इस तरीके से यहाँ से लुटा सकते हो, इसको आप प्रेस करके रखोगे तो ये अंदर चला जाएगा और उसके ऊपर भी ढक्कन सा भी लग जाता है, और यहाँ से इल्यूमिनेशन वगैरह हम अपनी ऑन कर सकते हैं। ये मीटर में इसके में इतना मजा नहीं है भाई यार, ये मतलब इलेक्ट्रिक वाला कुछ जैसा कैमरी में आता है ना बिल्कुल ऐसा सा इन्होंने बनाने की कोशिश करी है, पर मुझे इतना पर्सनली अच्छा नहीं लगा। ये मैग्नेटिक सा लग रहा है जैसे कार्टून टाइप में हो गया ना, यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बता रहा है, रेंज बता रहा है, भाई एवरेज के मामले में बहुत बढ़िया है गाड़ी, मतलब जिनको जिनकी रनिंग ज़्यादा है पेट्रोल ही चाहिए 15 साल का उनके लिए अल्टरनेटिव ये बहुत अच्छा है कि अपना माइलेज भी अच्छी हो थोड़ी भगाने में भी ठीक ठाक हो। ये पूरा इंटीरियर आपको सेम ऐसे मिलेगा जैसा फ्रोंग्स हो गया, बलेनो हो गए, मारुति की ब्रेजा हो गई नई वाली, सेम टू सेम अब वही इंटीरियर हमको देखने मिलता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टच आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट तो इतना नहीं है, हार्ड सा ही है भाई। नीचे ग्लव बॉक्स आप बात करोगे तो इधर मिलता है, यहाँ पूरा ऑटोमेटिक है भाई, ये पूरा एसी का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हमको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, 12 वोल्ट का एक सॉकेट, यूएसबी पोर्ट यहाँ पे है, यहाँ पे हमको मिलता है भाई एक वायरलेस चार्जर, ये इसका गियर नॉब हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स हमको मिल रही है, ईवी मोड हो गया। ईवी मोड क्या होता है भाई, जब गाड़ी आपकी बहुत ज्यादा चार्ज हो गई है ना बैटरी में तब आप ईवी मोड पे करके इसको प्योर ईवी पे चला सकते हो, ऐसा नहीं होता कि नोर प्योर ईवी पे चल रही है, जब बहुत ज्यादा चार्ज हो गई है 2 पॉइंट एटलीस्ट इसको चाहिए होते हैं तब इसको दबा दो अब तब ये ईवी पे चलने लग जाएगी। जैसे अभी एसी इसका ईवी पे चल रहा है, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है ईवी और रेडी, चलाऊंगा मैं इसको तो पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी देखना, अभी जैसे मैंने थोड़ी सी चलाई थी तो वो हो गई थी, अभी जैसे इसको चलाऊंगा ना तो इतनी चार्ज होगी नहीं है, एकदम से पेट्रोल इंजन इसका ऑन हो जाएगा। ये जैसे मैं चला रहा हूँ अब भी ईवी पे चल रही है, हूं वाली आवाज आ रही है, देखना जैसे ईवी हटेगा समझ जाना, और चल रही है यार ईवी पे अब भी। तो अब जैसे मैं इसको इतनी देर चला के लेके आऊँ तो अभी एकदम एक तरीके से फ्री चली है, समझे आप इतनी 30 लाख रुपए की क्यों है, क्यों ये डीजल के कंपैरिजन में प्राइस इतना इसका ज़्यादा हाई है, तो अभी ये जैसे फ्री चलेगी, अब मैं गाड़ी में के अंदर इतनी देर से जैसे बैठा हूँ वीडियो बना रहा हूँ तो मतलब एक तरीके से मैं फ्री है, क्योंकि ना तो मेरे को घर पे चार्ज करने की भाई मेरे को तो यूनिट का डर है, जो कोई पेट्रोल खा रही जैसे और गाड़ियाँ खाती हैं वो हमको बदले में थोड़ी कुछ देती हैं, कम से कम चार्ज करके दे रही है बैटरी को, ये वाली सिस्टम है इसलिए थोड़ी सी महंगी पड़ती है। वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, दो कप होल्डर हो गए, हैंड ब्रेक हो गए, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल रहा है जिसके अंदर अपना कुछ सैंड वैंड रख सकते हो व्हाटएवर, डोर देखो पियानो ब्लैक फिनिश, बोतल होल्डर वगैरह पूरा है, सीट्स की क्वालिटी आप देखोगे पूरी लेदराइट आपको डॉल टोन कलर में मिल रही है, ये भी काफी अच्छी है, बस एक दिक्कत ये है यार इनका ये पर्दा बहुत घटिया है यार, पैनोरामिक सनरूफ आती है इस वाले में बट पर्दा इतना लाइट रहेगा ना कि दोपहर में तो अब तो चलो पोल्यूशन एनसीआर में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पर वैसे अगर बात करोगे मतलब यार सूरज ही नहीं दिख रहा, लाल लाल सा सूरज, देखो हो गई स्टार्ट, हो गई ना पेट्रोल पे, इतनी बस की रहती है इसकी थोड़ी बहुत देर, 4-5 मिनट मान लो मुश्किल से खड़ी गाड़ी में, इतनी देर एसी चलेगा फिर पेट्रोल पे आ जाएगी, अब पेट्रोल थोड़ी देर चार्ज कर देगा फिर बंद हो जाएगी फिर चल जाएगी, ऐसा सिस्टम रहता है। तो पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर, ये क्वालिटी बहुत चीप है भाई, बिल्कुल मारुति वाली आपको फील आएगी, कोई बुरा माने चाहे भला माने सच्चाई यही है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर हमको देखने को मिल जाता है, पीछे चलता हूँ पीछे क्या स्पेस वगैरह है, फिर चलाने वाले बात पाऊंगा। आप ऐसा डोर्स की बात करते हो, डोर हैंडल्स की बात करते हो तो उसमें वो वाली प्रीमियम चीज हमको देखने को मिलती नहीं है। हाँ मैं बैठ गया हूँ यार, इसकी सीट्स काफी कंफर्टेबल लगते हैं मुझे तो पर्सनली, पता नहीं क्यों अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ठीक सही है। यहाँ पे मारुति वाले और सॉरी टोयोटा वाले एक ही बात है वैसे तो, यहाँ पे यूएसबी ए पोर्ट दे रहे हैं, टाइप सी पोर्ट दे रहे हैं, एसी वेंट देखो कितना सा है भाई पीछे के लिए, कितने से एसी वेंट इसमें ना मुश्किल मतलब 4 सीटर ही मानो 23 लाख रुपए में आप इसको प्रॉपर, तो ये एक ड्राइवर्स कार कहूँ मैं इसको,
माइलेज कार कह सकता हूँ एक तरीके से अगर हम सोचे तो। इसका नॉर्मल वाला वर्जन आता है 19 लाख रुपए का, अगर आप बिना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कटा दो 4 लाख रुपए आप एडवांस में टोयोटा को देके चल रहे हो, ये दिमाग में रखना जब आप इस गाड़ी खरीदो। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक IRVM आ रहा है, कैसे हिलती है सीट्स देखो, जब ये स्विच होती है कितनी बुरी तरह हिलती है, आप देख पा रहे हो मैं कैसे आपको देखो भाई क्या है ये, बहुत बुरी तरह हिल रही है सीरियसली यार, मैं कैसे आपको वाइब्रेशन तो बताऊं यार, अगर आप फील कर पाओ देखो। अरे तो जनरेटर तो चलो, इतनी बुरी तरह आवाज तो डीजल ना करती। अब बंद हो गई, अब ईवी मोड पे यार स्विच करने में इतनी नहीं यार ना, सॉरी यार यहाँ मैं खट्टा हो गया, अब तक मैं तारीफ यहाँ मैं खट्टा हो गया, मैं अब मेरी आवाज़ डाउन हो जाएगी यार, मैं क्या करूँ। ये आपको तीसरी अपना सीट बेल्ट भी मिलती है, सेफ्टी वाइज अच्छी चीज़ है मारुति, और सेफ्टी को जमा नहीं वैसे तो। यार ये इतना नीचे क्यों जा रहा है, दो कप होल्डर यहाँ पे मिल रहे हैं, ये अपने नेक रेस्ट हो गए, इसके स्पेस भी ठीक ठाक है, ये देख लो मेरा इतना, मेरी 6 फुट के लगभग हाइट होगी, ये इतना बच रहा है। यहाँ पे हमको मिलती है भाई इसकी पीली लाइट, ओके जी। यहाँ पे इसका ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, यहाँ छोटा सा स्पीकर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह भी दे रखी है, छोटा ही है मतलब ऐसे तो, पर साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है भाई इसका। अरे जहाँ से साउंड बजेगी वही ना दिखाया मैंने भाई, ये है इसका, ये अब इसका मैं फीचर्स के बारे में कितना एडवांस है ये बता देता हूँ। वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो है इसके अंदर, तो अब समझ जाना भाई सब कुछ होगा, जब वो चीज़ दे दी कंपनी ने तो फिर तो ये ब्लूटूथ तो बेसिक वाली चीज़ है। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा ही है बस नॉर्मल से, समझ जाओ ना यार ये जो होते हैं ये फोल्डेबल मिरर्स वगैरह कितने छोटे छोटे से हैं, ये मारुति ही है यार, कुछ टोयोटा नहीं ना करा इसमें कुछ भी, बस वो बस हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी इनकी। अब बारिश इसका हॉर्न सुनाने की, तो ये इसकी हॉर्न की आवाज है। इस गाड़ी का ना स्टीयरिंग थोड़ा सा हैवी आपको लगेगा जब आप इसको ड्राइव करोगे, और इसके गियर नॉब पे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी रोक लेता हूँ सबसे पहले तो पार्किंग हो जाता है, फिर रिवर्स, फिर न्यूट्रल डी, इसके बाद एक बी मोड है, ये क्या है ब्रेकिंग, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ना उसको सपोर्ट करता है। अब इसमें कोई प्रॉपर ईवी तो है नहीं जिसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग आएगी भाई, वो बढ़ा लो घटा लो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है, जैसे ही गाड़ी रुकने को अपने आप हो तो वो अपने आप ब्रेक ले ले जिससे बैटरी चार्ज हो जाए। तो अब क्या है डी पे जब मैं चलाऊंगा इसको तो नॉर्मल बिहेव करेगी एकदम जैसे पेट्रोल गाड़ियां नॉर्मल करते हैं भाई। आवाज ना जब पीछे वाले बंदे रहते हैं जब बैठे रहते हैं तब भी आवाज करती है ये। हाँ तो मैं ही कहता डी पे नॉर्मल चलेगी ये यार, इनिशियली जब बैटरी चार्ज हो ना जब तो भगाने पे इसकी सुई आप देखना क्या भागती है एकदम से, जान दिखाती है। अब देखो सहकारी से बिता दे जब, तो ये देखो 100 तक पहुंच गई, क्या भगे यार गाड़ी तो बढ़िया भगे। देखो मैं थोड़ी देर के लिए क्या रुका, इसका ईवी मोड ही चालू हो गया। अब मैं जैसे इसका ब्रेक पेडल छोड़ के थोड़ा सा रेस दबाऊंगा ना ये फिर से पेट्रोल चालू हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई जीरो से, रेव तो नहीं होती देखो क्योंकि डायरेक्ट ईवी मोड पे चली जाती है, ये रेव हो रही है। अब इसका इसमें RPM वगैरह नहीं दिखता, ये मैंने छोड़ दी, नीचे टाइमर आ रहा देख लेना कितनी देर में जा रही है, इसे ऑटोमेटिक कुछ करने की मेरे को जरूरत है नहीं। ये पहुंच गई, अब आप टाइम नीचे देख रहे हो टेक्स्ट में लिख के आ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो अभी क्या ही पता कितने में पहुंची है, पर गाड़ी यार चलाने में तो काफ़ी अच्छी है। बट स्टिल आई विल प्रेफर कि अगर आप थोड़ा हाइब्रिड वाले चीज़ से थोड़ा हट सकते हो, 18.9 किलोमीटर पर लीटर की आपको माइलेज भाई किया सेल्टोस में बहुत प्यार से डीजल में मिल जाएगी, अगर वो 15 साल 10 साल वाला आप चक्कर हटा सकते हो तो ये ले सकते हो। ये हाइब्रिड वाला यार ऐसा सिस्टम है कल को बिगड़ गई ना बात है, मतलब कहीं से आपको बाहर ना बाहर इसको कहीं छुड़वा सकते, और एक डीजल का मजा जिस भाई ने डीजल चला रखी होगी उसको ही पता है। तो मैं कहूंगा जब रेट सेम है ना तो एक बार वो देख लो, सेफ्टी का थोड़ा सा है भाई बाकी तो ठीक है यार, सोच के चलो तो 6 एयरबैग इसके अंदर आ रहे हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है भाई आपको क्या चाहिए, हाइब्रिड चाहिए क्या चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं किया सेल्टोस जाके खरीद लेता X-Line अगर मेरा इतना बजट होता तो। अब अंडर द हुड इसको भगा कौन रहा था भाई, ये दो मिल चीजें इसमें मिलके काम करती हैं, एक है इसके अंदर ये 3 सिलेंडर इंजन है भाई 1.5 लीटर का, ये देखो इसमें जगह नहीं थी, ये इलेक्ट्रिक मोटर लगा रखी है तो इधर काट के यहाँ पे एक आपको मिलेगा ही नहीं, और ये लगा रखी है मोटर, ये भाई आपकी जो नॉर्मल वाली 1.5 आती है उससे भी कम पावर निकालती है क्योंकि इसमें कंबाइंड पावर चलती है, ये निकालता है 91 हॉर्स पावर 91 BHP, यानी कि जो नॉर्मल वाली आती है उससे भी कम, उसमें 103-104 आपको मिल जाती है। मोटर करीबन आपको 79 BHP निकाल देती है, मतलब कलेक्टिवली हम टोटल बात करें तो 114 BHP के लगभग ये गाड़ी निकाल के देती है आपको। तो अब दो चीजें काम करती हैं, दो चीजों से बन के पावर बन रही है इसमें,
पूरा भरा हुआ है, इनको ऐसे लग रहा था कि बस ठोक दें, कहीं भी सामान दिख रहा है वहीं कोई ना कोई पाइप वाइप कुछ भी भर दें। अब इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं भाई, कई ड्राइव ट्रेन बहुत सारी, इसमें नियो ड्राइव जो इनका नॉर्मल आता है ना 1.5 उसको कहते हैं ये लोग। उसके अलावा CNG ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ भी ऑप्शन है। दुनिया भर के इन्होंने ये निकाल रखे हैं सबके लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अपना आके टोयोटा शोरूम में आके खरीद लो भाई। और कंपनी क्लेम करती है इसमें 27.97 यानी कि 28 की माइलेज कंपनी कहती है कि हमारी गाड़ी दे दे। तो आप लोग बताइए क्या आप खरीदना पसंद करेंगे 23 लाख रुपए में ये गाड़ी, या फिर इसके जो कॉम्पिटिटर आते हैं किया सेल्टोस, हुंडई की क्रेटा, एक्सयूवी 7 डबल ओ, टाटा हैरियर, उन सब की तरफ आप जाना चाहोगे लेकिन उनके बेस वेरिएंट्स की तरफ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।